So, another theory of intelligence is Anderson's theory of intelligence. Now, Anderson's theory of intelligence holds that differences in intelligence result from differences in the basic processing mechanism. तो उन्होंने ये बोला था कि एक्चुअली लोगों में इंटेलिजेंस के लेवल्स डिफरेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके माइंड में किसी भी स्टिमुलस को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है, जो मैकेनिज्म होता है, वो अलग-अलग होता है। सबका एक बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का मैकेनिज्म अलग-अलग है एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन इंटेलिजेंस इन एवरी इंडिविजुअल। दिस इज व्हाट ही थॉट अबाउट इंटेलिजेंस। सो ही ऑल्सो सेड दैट इंडिविजुअल्स वेरी इन द स्पीड एट विच बेसिक प्रोसेसिंग अकर्स। सो कोई स्टिमुलस आपके सामने आया, आप कितनी जल्दी उस स्टिमुलस को समझ करके उसको प्रोसेस कर पाते हो, उसका मीनिंग निकाल पाते हो, उसको अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट मेमोरीज के साथ रिलेट कर पाते हो, इसकी स्पीड वैरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो अगर आपके सामने आपके पेरेंट्स बैठ करके कुछ आपको बोल रहे हैं, आप कितनी जल्दी उस ऑडिटरी स्टिमुलस को प्रोसेस कर पा रहे हो, उसे समझ पा रहे हो एंड फिर उसको रिलेट कर पा रहे हो, उससे एक मीनिंग निकाल पा रहे हो, उसके बेसिस पे इंटेलिजेंस चेंज होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एंड योर सिबलिंग, योर ब्रदर और सिस्टर इज सिटिंग मम्मी पापा के साथ, ठीक है, मम्मी पापा कुछ कुछ इंटेलेक्चुअल चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आपके भाई ने तुरंत जवाब दे दिया, आपको वो बात थोड़ी देर से समझ में आई, द रीजन बी कि उसने उस इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस कर लिया, आपने थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा टाइम लग गया कंपैरेटिवली। सो ही वुड बी कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू यू अकॉर्डिंग टू एंडरसन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट अ लो स्पीड प्रोसेसिंग मैकेनिज्म्स प्रोड्यूसेस लो जनरल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर लो स्पीड है प्रोसेसिंग की, आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है, मतलब जितनी ज्यादा आपकी कम है प्रोसेसिंग की स्पीड, उतना ज्यादा कम आपका इंटेलिजेंस है। द फास्टर यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, द मोर वुड बी योर इंटेलिजेंस। बाय व्हेन आई से अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समथिंग से मतलब है कि उस बात को प्रोसेस करके उसका मीनिंग, उसका सिमांटिक मीनिंग निकाल करके उसको समझना। इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के टर्म्स में मत लेना, इट इज प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड गेटिंग द मीनिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। देन वी हैव स्टर्नबर्ग्स ट्रायार्किक थ्योरी। नाउ इन कंट्रास्ट टू एंडरसन थ्योरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स ट्रायार्किक थ्योरी एड्रेसेस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म्स। सो जैसे कि एंडरसन ने बोला कि स्पीड की बात होती है, स्टर्नबर्ग ने उनके कॉन्ट्रास्ट में ये बोला था कि स्पीड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट कि एक तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हो, आप उस इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट इन्वायरमेंट के हिसाब से समझ पा रहे हो या नहीं। सो एक ही, वी ऑल आर अवेयर कि एक ही सेंटेंस का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब हो सकता है। सो आप उसका बेसिक मीनिंग लेते हो या उसको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ पाते हो, एंड ऑल्सो आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं लाइफ में, ये मिलकर के हमारा इंटेलिजेंस बनाता है। ऑल्सो हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के मैकेनिज्म्स क्या हैं, उनकी स्पीड कितनी है ये नहीं, बट क्या है हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के मैकेनिज्म्स, दिस डिफाइन्स आर इंटेलिजेंस। ये बात इन्होंने बोली थी इन द ईयर 1985। नाउ हिज थ्योरी हैज थ्री पार्ट्स, और यू कैन से थ्री सब थ्योरीज ट्रायार्किक थ्योरी में, और तीन अंदर उसके थ्योरीज हैं जिनको आप सब थ्योरीज बोल सकते हो या पार्ट्स बोल सकते हो थ्योरी के। द फर्स्ट पार्ट इज द कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, यानी कि कॉम्पोनेंशियल का मतलब है कॉग्निटिव लेवल पे आपका थॉट प्रोसेसिंग कैसी है रिगार्डिंग एनी स्टिमुलस दैट इज कमिंग योर वे, दैट इज द कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी। द एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी इज इट डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन इंटेलिजेंस, यानी कि आपके पुराने एक्सपीरियंसेस का आपके इंटेलिजेंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, दैट इज एक्सपीरियंशियल पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज द कॉन्टेक्चुअल पार्ट, नाम से ही पता चल रहा है किस इन्वायरमेंट में हो, किस कॉन्टेक्स्ट में हो, आपका कल्चर, आपका इन्वायरमेंट कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है टू
टू अंडरस्टैंड एन इंफॉर्मेशन दैट इज द कॉन्टेक्चुअल पार्ट. ठीक है, सो एक्सपीरियंशियल नाम से पता चलता है एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, कॉन्टेक्चुअल भी नाम से पता चलता है कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंट कल्चर से रिलेटेड है. कॉम्पोनेंशियल थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कॉम्पोनेंशियल है यानी कि थॉट लेवल पे है. सो थॉट, एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट, तीन चीजें आती हैं. अब कॉन्टेक्चुअल का आजकल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है. ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट कोरोना के केसेस में क्या हो रहा है, देयर आर सम मुस्लिम पीपल हु आर गैदरिंग फॉर सम रिलीजियस पर्पसेस. सो देयर कल्चर, हाउ दे आर प्रोसेसिंग द होल थिंग अबाउट कोरोना वायरस, द होल लॉकडाउन पीरियड, हाउ दे आर प्रोसेसिंग देयर इंफॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन द कल्चर दे आर इन, अपॉन देयर एनवायरमेंट, अपॉन द बिलीव्स दे हैव डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी. अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेवलप्ड होती है हमारी कॉम्पोनेंशियल सब पार्ट. ठीक है, कॉम्पोनेंशियल जो सब थ्योरी होती है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होती है, क्योंकि अगर आप थॉट प्रोसेस, थॉट लेवल पे ही प्रोसेस नहीं कर पाओगे तो एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट की तो बात ही नहीं आती. पहले तो थॉट लेवल पे होना चाहिए. ठीक है, अब ये जो कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी है इसमें वो कॉम्पोनेंट, इसमें कॉम्पोनेंट्स आते हैं थॉट के. सो स्टर्नबर्ग ने बोला कि ये कॉम्पोनेंट्स तीन तरह के हो सकते हैं. मेटा कॉम्पोनेंट्स इज द फर्स्ट वन. मेटा कॉम्पोनेंट्स आर दोज कॉम्पोनेंट्स दैट आर यूज टू प्लान, कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवेल्युएट प्रोसेसिंग ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर आप कैसे चीजों को प्लान करते हो, कंट्रोल करते हो, मॉनिटर करते हो और उसे इवैल्यूएट करते हो, दैट इज द मेटा कंपोनेंट. सो ऐसे समझो, अगर भूल जाओ कभी तो, मेटा वर्ड का मतलब हमेशा होता है अ हायर लेवल, द हायर लेवल ऑफ एनीथिंग. ठीक है, सो मेटा कंपोनेंट्स क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑलरेडी थॉट लेवल पे बात हो रही है. सो थिंकिंग, मेमोरी, ये सब बेसिक हमारे कंपोनेंट्स होते हैं कॉग्निटिव लेवल के, थॉट लेवल के. अब इसमें हायर लेवल क्या हो जाएगा, हायर लेवल वुड बी कि आप लर्निंग वगैरह के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो बेस्ड ऑन योर लर्निंग. सो दैट इज द हायर लेवल. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो हमारे मेटा कॉम्पोनेंट्स में आते हैं. फिर स्टर्नबर्ग ने इन कॉम्पोनेंट्स को बाद में चेंज किया था, नाम उसका चेंज किया था एज एनालिटिकल एबिलिटीज. ठीक है, so for example if you are going to cook thanksgiving dinner you would have to plan the menu and then monitor your progress towards getting all the ingredients, cooking each dish and making sure that everything was ready to serve at the same time. so thought level pe aapka pura kaam chal raha hai yahan par. theek hai, so this is the componential sub theory. acha ha, isme first part was meta component, second component is performance component and the third is knowledge component. नाम से पता चल रहा है, मेटा कॉम्पोनेंट मैंने आपको बता दिया हायर लेवल थिंकिंग का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड टास्क आते हैं. परफॉर्मेंस में अगेन नाम से पता चल रहा है कि यही जो थॉट लेवल पे आपने सोचा था उसको आप परफॉर्म किस लेवल पे कर पा रहे हो, दैट इज द परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट. एंड नॉलेज की, आप कितने अच्छे से नॉलेज को इनकोड कर पा रहे हो, उसे समझ पा रहे हो. सो परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट्स कैरी आउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज. ये जो स्ट्रैटेजीज थॉट लेवल पे बनी मेटा कंपोनेंट के पार्ट में, उनको कैरी आउट करना, उसको एक्शन में लाना इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट. इसको बाद में नाम दिया गया क्रिएटिव एबिलिटीज. ठीक है, सो अपनी क्रिएटिव, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अ स्किल्ड मैकेनिक कैन यूज हिज क्रिएटिव एबिलिटीज टू डिवाइस अ वे टू फिक्स पार्ट्स ऑफ अ कार दैट आर नॉट वर्किंग. सो पहले आपने क्या होता है, देखो मैंने अपने दिमाग में, ठीक है ये थैंक्सगिविंग डिनर का था, मैंने अपने दिमाग में पूरा पूरा बना लिया, बहुत अच्छा आइडिया आया, बहुत अच्छी रेसिपी आ गई, उसको कैसे मुझे वो करना है सब मेरे दिमाग में आ गया, बट मैं उसको कितनी एबिलिटीज के साथ एक्चुअली कर पा रही हूँ, उसको उतार पा रही हूँ, उसको बना पा रही हूँ, उसमें वो टेस्ट आ रहा है जो मैंने इमेजिन किया था या नहीं आ रहा है, दैट वुड बी द परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, and the third is knowledge acquisition components. These are regarding encoding, combining and comparing information during the course of problem solving. So problem solving ke time par aapka information ko encode karna,
उसको कंबाइन करना और उसको पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कंपेयर करना इन एवरीथिंग इज नॉलेज एक्विजिशन। नाउ इसको इन्होंने बोला प्रैक्टिकल एबिलिटीज। यू आर यूजिंग योर नॉलेज एक्विजिशन और प्रैक्टिकल एबिलिटीज एज यू रीड थ्रू दिस टॉपिक एंड डिसाइड टू कमिट सर्टन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेमोरी। सो आपने प्रोबेबली नाम डाल लिए होंगे अपनी मेमोरी में, इसका जो दूसरा नाम दिया हुआ है वो डाल लिया होगा, ठीक है। सो दिस इज योर कमिटमेंट टू द मेमोरी। तो हमारे पास तीन सब कॉम्पोनेंट्स आए कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी के। मेटा कॉम्पोनेंट्स जिसको हम एनालिटिकल एबिलिटीज भी बोलते हैं। सेकेंड इज परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट्स जिसको हम क्रिएटिव एबिलिटी भी बोलते हैं एंड नॉलेज एक्विजिशन जिसको हम प्रैक्टिकल एबिलिटीज भी बोलते हैं। अब स्टर्नबर्ग ने बोला कि ये तीनों कॉम्पोनेंट्स एक दूसरे में इंटरट्वाइंड होते हैं, ऐसा नहीं है कि दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ईच कम्स इन टू प्ले ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एंड नन ऑफ देम कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। मतलब जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये तीनों ही साथ में वर्क करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें। दे ऑपरेट टूगेदर, एक साथ ही लोग काम करते चलते हैं टू फाइनली सॉल्व अ प्रॉब्लम अच्छे से, ठीक है। नाउ क्रिटिसिज्म या यू कैन से इवैल्यूएशन ऑफ स्टर्नबर्ग्स थ्योरी। सो कुछ लोग बोलते हैं कि स्टर्नबर्ग की थ्योरी में काफी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, और ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोहेरेंट नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये नहीं बताता है, डज नॉट शो हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग अकर्स इन एवरीडे कॉन्टेक्स्ट। सो एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क करती है उस पर ये लोग मतलब इस थ्योरी ने इतना फोकस नहीं किया है। सम अदर्स पॉइंट आउट दैट इट लार्जली इग्नोर्स द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। Now Stephen Sesi, he has attempted to address these issues by building on Sternberg's theory while placing much more emphasis on context and its impact on problem solving. So आपने देखा कि कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी पे सबसे ज्यादा फोकस था। सो स्टीफन सेसी ने स्टर्नबर्ग की थ्योरी को थोड़ा सा और बेटर रिफाइन करने की कोशिश करी है और उन्होंने कॉन्टेक्स्ट पे काफी ज्यादा emphasis डाला है टू सी हाउ डज इट इफेक्ट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन वी हैव द हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। दिस वॉज गिवन बाय आर्थर जेंसन एंड ही सेड कि हमारे कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें हैं ये दो लेवल पे ऑपरेट होती हैं, लेवल वन एंड लेवल टू। लेवल वन होता है एसोसिएटिव लर्निंग जिसमें जो हमारा आउटपुट होता है लर्निंग का वो इनपुट के ऑलमोस्ट जैसा ही होता है, ठीक है। सो अगर आप कोई चीज याद कर रहे हो दैट इज द एसोसिएटिव लर्निंग, मतलब एज इट इज चीज को उतार लेना अपने दिमाग में, दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग। रोट लर्निंग बेसिकली रट्टा मारना होता है, मेमोरी में आप चीजों को समझते हो, जो आपने याद किया आप एग्जाम में वही लिख करके आते हो। सो आउटपुट इज ऑलमोस्ट एज सिमिलर एज द इनपुट, ठीक है। सो दैट वुड बी लेवल वन ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ लेवल टू इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। दिस इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल्स एज दे ट्रांसफॉर्म इन द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। जस्ट अ सेकेंड। सो लेवल टू होता है हमारा कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट कॉम्पिटेंस। इसका मतलब होता है हायर ऑर्डर स्किल्स का यूज करना टू फाइंड अ इफेक्टिव आउटपुट। सो फॉर एग्जाम्पल जब आप लॉजिकल रीजनिंग के काम कर रहे हो तब आप लेवल टू यूज कर रहे हो, जब आप एग्जाम के लिए पढ़ करके फिर एग्जाम में वो चीज लिख करके आ रहे हो दैट इज लेवल वन इंटेलिजेंस। सो बेसिकली जो हमारे एग्जाम में मार्क्स आते हैं ना मोस्टली, अगर आपका एग्जाम पूरा पूरा इस चीज पर होता है कि आपने जो बुक्स में था, जैसे कहीं कहीं वैसा होता है ना कि जो बुक में है वही लिखना है, सो दैट इज बेसिकली द असेसमेंट ऑफ योर लेवल वन।
बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्ट ले रहे होते हैं, हमारी लॉजिकल रीजनिंग होती है, जनरल नॉलेज, नहीं नॉट जनरल नॉलेज, हाँ लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये सब आता है, तो दैट इज ऑलवेज लेवल टू. देन वी हैव कटेल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है. कटेल ने दी थी इन द ईयर 1971, रेमंड कटेल नाम है. इन्होंने बोला कि मेंटल एबिलिटीज के दो क्लस्टर्स होते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज वंस लाइफ टाइम ऑफ इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट एज डिमोन्स्ट्रेटेड लार्जली थ्रू वंस वोकैबुलरी एंड जनरल नॉलेज. यानी कि किसी भी इंसान का लाइफ टाइम का इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, जो कि ज्यादातर उसकी वोकैब और जनरल नॉलेज से एक्सप्रेस होता है, पता चलता है, दैट इज द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. यानी कि हमने जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह लर्न करे हैं, हमारा बोलना, ये सब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है. फ्लूइड इंटेलिजेंस ऑन द अदर हैंड क्या है? लॉजिकली सोचना, प्रॉब्लम्स को अलग नई सिचुएशंस में सॉल्व करना, ऑल्सो क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ दिस इज फ्लूइड इंटेलिजेंस. नाउ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंक्रीजेज विद एज व्हाइल फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीजेज इन ओल्ड एज. यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हमेशा इंक्रीज होगा, लेकिन आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस यूजुअली एक एज के बाद डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप थोड़ा लॉजिकली सोचना बंद कर देते हो, इतना ज्यादा एक्चुअली स्टफ हो चुका होता है दिमाग में कि आप उतना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं करते हो फोकस, ठीक है. सो यूजुअली फ्लूइड इंटेलिजेंस एक एज के साथ डिक्रीज हो जाता है. देन वी हैव गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल. ये दिया था जेपी गिलफर्ड ने. दिस मॉडल क्लासिफाइज द इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स अमंग थ्री डायमेंशंस, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इन्होंने बोला कि हमारी जो भी इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स होती हैं उसके तीन डायमेंशंस हो जा सकते हैं. जैसे ग्राफ में आप डायमेंशन बनाते हो ना, एक एक्स, एक वाई और एक हवा में 3D होता है जेड, वैसे ही ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तीन डायमेंशंस हैं, ठीक है. ऑपरेशंस क्या है? जो हम करते हैं, रिस्पोंडेंट जो भी कर रहा है वो ऑपरेशन है. जैसे कि कॉग्निशन, कॉग्निशन एज इन प्रोसेसिंग, ठीक है, मेमोरी रिकॉर्डिंग, कोई चीज याद कर रहा है, मेमोरी रिटेंशन, जो याद किया है उसको उसका रिटेंशन होना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेशंस. देन देयर आर कंटेंट्स. कंटेंट्स में क्या होता है? जो अब ये जो ऑपरेशन हम किस टाइप के कंटेंट पे लगा रहे हैं, कंटेंट हमारा स्टेटमेंट की फॉर्म में है, नंबर की फॉर्म में है, वर्ड्स की फॉर्म में है, लेटर्स की फॉर्म में है, ऑडिटरी है, विजुअल है, सिंबॉलिक है, ऑल ऑफ दिस इज द कंटेंट, ठीक है. सो दिस रिफर्स टू द नेचर ऑफ मटीरियल और इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड. किस टाइप की इंफॉर्मेशन पे आप अपना ऑपरेशन जो अभी फर्स्ट हमने पढ़ा वो परफॉर्म कर रहे हो, वो लगा रहे हो, दैट इज द कंटेंट पार्ट. इसमें विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, हर चीज आ सकती है, ठीक है. नाउ प्रोडक्ट्स, दीज रिफर टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट. किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, दैट इज द प्रोडक्ट. यानी कि आप यूनिट्स में कर रहे हो, क्लासेस में कर रहे हो, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हो, सिस्टम के फॉर्म में कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में कर रहे हो, या इम्प्लीकेशंस निकाल रहे हो, दैट इज द प्रोडक्ट कॉम्पोनेंट, ठीक है. अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो छह चीजें हैं ऑपरेशंस में, ठीक है. कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन, अ टोटल ऑफ सिक्स. देन पांच होती हैं आपके कंटेंट में, यहाँ पर सिक्स, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, फाइव ये. ऑडिटरी, विजुअल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल. और छह होते हैं प्रोडक्ट में,
units, classes, relations, systems, transformation and implications. So total 6 into 5 into 6 कितना हो गया 180, ठीक है. So इन्होंने क्या किया है, क्यूब टाइप का बनाया है. क्यूब होता है ना, जैसे आपका रूबिक्स क्यूब होता है, उस टाइप का क्यूब. अब रूबिक्स क्यूब में बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, वैसे ही 180 सेल्स का है. 6 ऑन एक्स एक्सिस, 5 ऑन वाई एक्सिस एंड देन 6 अगेन ऑन जेड एक्सिस. सो अ टोटल ऑफ 180 सेल्स आर देयर. उन्होंने बोला कि ईच सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट वन फैक्टर और एबिलिटी, यानी कि हर सेल में एटलीस्ट एक फैक्टर या एबिलिटी जरूर होती है. कुछ सेल्स में एक से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं. एंड ईच फैक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल थ्री डायमेंशंस. हर फैक्टर, जैसे 180 सेल्स हैं, सो हर सेल में किसी एक टाइप का कंटेंट आ रहा होगा, किसी एक टाइप का प्रोडक्ट आ रहा होगा, किसी एक टाइप का क्या था फर्स्ट नाम भूल गई, ऑपरेशन होगा, ठीक है. सो ऐसे होता है. सो एटलीस्ट मिनिमम 180 फैक्टर्स हैं, क्योंकि हर सेल में एटलीस्ट एक फैक्टर तो है. सो टोटल 180 एटलीस्ट हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक सेल में एक से ज्यादा फैक्टर इज पॉसिबल. इस टाइप से है, ठीक है. इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको इस क्यूब का कॉन्सेप्ट. आपको टॉप पर दिख रहा है कंटेंट्स, आपको फ्रंट में दिख रहे हैं प्रोडक्ट्स, और आपको ऐसे जेड एक्सिस पे, ये कौन सी होगी एक्सिस, जो भी एक्सिस होगी इसमें दिख रहे हैं ऑपरेशंस. ये जो ऑपरेशंस हैं ये नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली दिस, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, दिस लाइन इज द कंटेंट. 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 1 2 3 4 5 बाय 5. एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 गलत बनाया हुआ है इन्होंने. ऐसे होगा एक एक्सिस ऐसे होगा, गलत बनाया हुआ है. यहाँ पे एक और सेल होना चाहिए, ठीक है, तब 180 होगा. ऐसे इन्होंने, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है. सिक्स होना चाहिए डेफिनेटली. गलत कर दिया इन लोगों ने, थोड़ा सा इमेज थोड़ी सी गलत है, ठीक है. देन वी हैव द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. नाउ दिस वॉज गिवन बाय एन इंडियन, जेपी दास मेनली. सो जेपी, ऑल्दो दो लोग और का काम है, लेकिन मेन जेपी दास का था. ये जेपी दास जैक और किर्बी ने दिया है इन द ईयर 1994. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ थ्री न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन. यानी कि हमारी जो भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, उसमें हमारी बॉडी के जो भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, उनमें से थ्री सिस्टम्स की इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन. ये जो यूनिट्स हैं, ये हमसे तीन चीजें करवाते हैं, सॉरी चार. अराउजल, अटेंशन, कोडिंग और प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग, ठीक है. द पास थ्योरी ब्लेंड्स न्यूरोसाइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोमेट्रिक अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस. सो ये जो पास मॉडल है, ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव और साइकोमेट्रिक अप्रोचेस को मिला देता है. तीनों चीजें इसमें आती हैं, ठीक है. सो या देखो, पास क्यों बोलते हैं, प्लानिंग इज पी, ए इज अराउजल एंड अटेंशन, दोनों एक ही बात है, एंड एस इज साइमल्टेनियस, सेकेंड एस इज सक्सेसिव. सो पी ए एस एस, दिस इज एन इमेज जो कि पास मॉडल के लिए यूज होती है, ठीक है.
Now, what is arousal attention? It is the state of arousal which is basic to any behavior, as it helps us in attending to a stimulus and process the information. यानी कि वो स्टेट जो कि जरूरी होती है किसी स्टिमुलस को अटेंड करने के लिए, दैट स्टेट इज अराउजल या अटेंशन. कुछ भी नाम आप दे सकते हो. सो अगर मान लो मैं बहुत कम अराउज्ड हूं, तो हो सकता है मेरे आसपास में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसको अटेंड ही नहीं कर रही हूं, ठीक है. एंड अगर बहुत हाई अराउजल है तो मैं अपने आसपास की सारी इंफॉर्मेशन को अटेंड कर रही हूं, ठीक है. सो बेसिकली हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ अराउजल किस स्टेट में होगा? व्हेन वी आर स्लीपिंग. दिस इज व्हाई वी डू नॉट अटेंड टू एनी स्टिमुलाई व्हेन वी आर स्लीपिंग. ऑल्दो अगर नींद कच्ची होती है तो हमारा एक्चुअली कच्ची इसलिए होती है क्योंकि हल्का सा अराउजल लेवल होता है, तो हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि कोई रूम में आया था, मतलब सो रहे थे, पता नहीं कौन आया था, कब आया था, किस टाइम पे आया था, कुछ नहीं पता, पर हाँ कोई आसपास से निकला, पता चल जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत अराउजल लेवल उस टाइम पे होता है. यूजुअली जब आप गहरी नींद में सोते हो तो आपका लोएस्ट लेवल ऑफ अराउजल होता है बिकॉज इट इज नो अराउजल, और बहुत हाई लेवल ऑफ अराउजल टर्न्स इनटू मेनिया, ठीक है. सो वो ये बोल रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के रेलिवेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस करने के लिए आपका अराउजल लेवल बहुत ऑप्टिमल होना चाहिए. ऑप्टिमल एज इन अ वेरी बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल, क्योंकि बहुत कम अराउजल और बहुत ज्यादा अराउजल हमारी अटेंशन के साथ इंटरफेयर करता है. बहुत कम अराउजल यानी कि आप ऑलमोस्ट सोने की स्टेज में हो, और बहुत ज्यादा अराउजल यानी कि आप मैनिक फेज में हो. आप मैनिक फेज में हो तो आप हाइपर एक्टिव हो, आप एक इंफॉर्मेशन पे, मतलब हो सकता है अटेंशन जाए पर वो अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, आप उस इंफॉर्मेशन पे रुक नहीं पाओगे, तो क्या होगा कि आपके रेलिवेंट एस्पेक्ट छूट जाएंगे. सो बहुत ज्यादा या बहुत कम अराउजल यूजुअली हमारी अटेंशन के साथ इंटरफेयर करता है. नाउ दिस यूनिट इज लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम एंड द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अराउजल और अ कॉर्टिकल टोन. तो ये जो यूनिट है अराउजल अटेंशन की, बोला था ना कि फंक्शनिंग यूनिट्स होती हैं. सो अराउजल अटेंशन की जो यूनिट होती है ये हमारी बॉडी में ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होती है और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में लोकेटेड होती है, और ये दोनों चीजें हमें एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अराउजल या कॉर्टिकल टोन देती हैं, ठीक है. बहुत ज्यादा ब्रेन स्टेम में फंक्शनिंग हो रही होगी या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में फंक्शनिंग हो रही होगी तो हाई लेवल ऑफ अराउजल होगा, बहुत कम होगी तो लो लेवल ऑफ अराउजल होगा. देन देयर इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंटू आर नॉलेज सिस्टम विच अकर्स इधर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली. सो यहाँ पर बात हो रही है किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हमने अटेंड, मतलब अराउजल आया, आपने अटेंड कर लिया इंफॉर्मेशन को, अटेंड करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को अपने नॉलेज सिस्टम में इंटीग्रेट करना इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. सॉरी, इट इज प्रोसेसिंग. अब ये जो इंटीग्रेशन है ये साइमल्टेनियस भी हो सकता है और सक्सेसिवली भी हो सकता है. साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग तब होती है व्हेन यू परसीव द रिलेशंस अमंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न फॉर कॉम्प्रिहेंशन. यानी कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग वो है जब आप कॉन्सेप्ट्स या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप ढूंढते हो. सो आपके पास इंफॉर्मेशन आई, हाउ इज इट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी हैव, उसके साथ रिलेट करना और साथ में इंटीग्रेट कर लेना कि एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आए, दैट इज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग. ये जो है ये हमारे ऑसिपिटल लोब में लोकेटेड होता है. साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का जो फंक्शनिंग यूनिट है ये हमारे नर्वस सिस्टम में ऑसिपिटल लोब में होता है. देन अनदर इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग. ये तब होता है व्हेन वी रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली सो दैट द रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू द रिकॉल ऑफ अनदर. यानी कि एक सीरियल में इंफॉर्मेशन को याद करना, जिससे कि जब आप रिकॉल करो तो एक रिकॉल के बाद दूसरा रिकॉल आ सके, दैट इज
successive processing. So the first recall becomes a cue for the second recall. Then the second recall becomes a cue for the third recall. This is successive processing. So क्या होता है जब आप जैसे एबीसीडी बोल रहे हो तो आपने ए बोला, आप रिकॉल कर रहे हो ए बोला, ए के बाद क्या आता है बी, है ना. सो बी के लिए क्यूब क्या बना ए, ऐसे ही सी के लिए क्यूब बनेगा बी, डी के लिए क्यूब बनेगा सी. सो दिस इज द सक्सेसिव प्रोसेसिंग. जब हम फोन नंबर्स याद करते हैं तब भी हम यूजुअली सक्सेसिव प्रोसेसिंग कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज हम याद करते हैं कि अच्छा उसके नंबर में टू के बाद सेवन आता है, सेवन के बाद फाइव आता है. हमारा इन जनरल भी नंबर्स को याद करना 1 2 3 4 5 6 इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग. नाउ डिजिट्स को लर्न करना, मल्टीप्लीकेशन टेबल्स को लर्न करना, ऑल ऑफ दीज आर सक्सेसिव प्रोसेसिंग. नाउ दिस इज associated with the frontotemporal areas of brain. So, जैसे simultaneous आपका occipital lobe में located है, ये आपका frontotemporal areas में located है. Then the last is planning. Now, this is an essential feature of intelligence. Intelligence का एक बहुत जरूरी aspect होता है ये. After the information is attended to and processed, planning is activated. So, एक बार आपका ए और एस एस हो गया उसके बाद आप प्लान करते, ठीक है. इट अलाउज अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंट देम टू रीच अ टारगेट एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस. यानी कि इसमें आपका एक्शन पार्ट आता है, इन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना इन सच अ वे कि एक गोल रीच किया जा सके, और फिर उनकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, दैट इज प्लानिंग. Now it is located in the prefrontal area of the brain. ये हमारे brain के prefrontal area में located है, ठीक है. याद करते हैं फिर से, attention arousal था हमारे reticular activating system में और brain stem में, simultaneous processing थी occipital lobe में, successive processing थी frontotemporal में, और planning है प्रीफ्रंटल एरिया में. अगर कोई प्लान वर्क नहीं करता है तो यूजुअली हम अपने सिचुएशन का या जो भी टास्क है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, या तो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, या फिर हम अपने प्लान को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन. These past processes operate on a knowledge base developed either formally or informally from the environment. ये जो past processes हैं ये हमारे knowledge base पे operate करते हैं, जो या तो formally develop हुआ है जैसे कि reading करके, writing करके, experiments करके, या फिर environment से informally develop हुआ है. These processes are interactive. ये सारे के सारे साथ में, PASS साथ में interact करते हैं और constantly changing होते हैं, dynamic होते हैं. Although इन सब के अपने distinctive functions भी होते हैं. दास और नागलियरी ने इसके लिए एक battery भी बनाई है, एक test बनाया है past model को study करने के लिए, जिसको हम cognitive assessment system बोलते हैं, CAS. A very famous battery for intelligence. It consists of verbal as well as non-verbal tasks that measure basic cognitive functions presumed to be independent of schooling. ये ऐसे verbal और non-verbal tasks होते हैं इसमें जो basic cognitive functions को measure करता है, ऐसे cognitive functions जिसके लिए schooling is not required. आप illiterate हो या literate हो, ये basic functions सब में होंगे. It doesn't matter if you have done any schooling or not. यानी कि knowledge based नहीं है, प्रोसेसिंग बेस्ड है, कॉग्निटिव थिंकिंग बेस्ड टास्क है, ना कि नॉलेज बेस्ड. क्योंकि ऑब्वियसली अ पर्सन जो कभी स्कूल नहीं गया है उसके पास नॉलेज एक स्कूल जाने वाले इंसान से कम होगी, ठीक है. सो ऐसा इसीलिए ये इतना सक्सेसिवली यूज होता है, क्योंकि हाउ विल यू, मतलब हाउ कैन यू से अ पर्सन हु इज इलिटरेट, जिसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसके एनवायरमेंट में, वो बेवकूफ है या उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है या वो मेंटली रिटार्डेड है. नहीं, वो अपने एनवायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर सकता है, अडाप्ट कर सकता है. दैट पर्सन इज नॉट स्टूपिड, दैट पर्सन हैज अ नॉर्मल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. सो दिस इज अ वेरी फेमसली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट.
The battery of test is meant for individuals between the ages of 5 to 18. 5 to 18 years of age के बीच के लोगों में ही ये टेस्ट किया जाता है. देन वी हैव वाइगोट्स्कीज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस बहुत ही सोशल और कल्चरल होती है. ठीक है, मतलब हमारी क्या सोसाइटी है, हमारा कल्चर क्या है, उस पे बेस्ड होती है हमारी इंटेलिजेंस. ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल प्रोसेसेस. दैट इज बाय चिल्ड्रन अब्सॉर्बिंग व्हाट दे ऑब्जर्व इन द एनवायरमेंट, अब्सॉर्बिंग व्हाट दे ऑब्जर्व इन द एनवायरमेंट एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स. यानी कि उन्होंने बोला कि किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस ग्रो इस बेसिस पे करती है कि वो अपने आसपास के सोशलाइजेशन के प्रोसेसेस को कैसे इंटरनलाइज कर रहे हैं. यानी कि जो भी वो अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं उसको कैसे अब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और उसको अपने पार्ट का, अपनी लाइफ का एक पार्ट बना रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस, अपनी मेमोरी का एक पार्ट बना रहे हैं. दैट इज इंटेलिजेंस, मतलब दैट इज हाउ इंटेलिजेंस विल ग्रो. उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस हमारी हिस्ट्री का एक प्रोडक्ट होता है, ये हमारे कल्चर में रिसाइड करता है. ठीक है, दिस वॉज गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की. नाउ वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस. हाँ, सो वी हैव टू स्टार्ट विद इमोशनल इंटेलिजेंस नाउ. सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म है ये 1990 में कॉइन हुआ था एंड जिन्होंने कॉइन किया था देयर नेम वर सालोवे एंड मेयर. प्लीज नोट दिस डाउन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ इट इज दैट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग एंड इमोशंस एंड टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन. यानी कि अपने और दूसरों के इमोशंस को मॉनिटर करना, उनको समझना, उनमें डिस्क्रिमिनेट कर पाना और इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को गाइड करना टूवर्ड्स योर एक्शन एंड थिंकिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस. अब डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत काम किया है. स्पेशली इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का एक पब्लिकेशन दिया था इन द ईयर 1995. बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली गोलमैन को फॉलो किया जाता है व्हेन वी रीड अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस की जब भी बात हो, कोई नाम भूलो ना भूलो, डैनियल गोलमैन कभी मत भूलना. इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के पांच कंपोनेंट्स दिए थे. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और ट्रस्टवर्दीनेस, मोटिवेशन और रेजिलियंस, इम्पथी और रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस ऑफ अदर्स एंड सोशल स्किल्स और हैंडलिंग रिलेशनशिप्स. दीज आर द फाइव मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. जो फर्स्ट तीन है दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन, दीज आर पर्सनल. और एम्पैथी और सोशल स्किल्स, ये सोशल होते हैं. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर मूड्स, इमोशंस एंड ड्राइव्स एज वेल एज देयर इफेक्ट्स ऑन अदर्स. यानी कि अपने इमोशंस को, अपने मूड्स को रिकॉग्नाइज करना, उनको समझना और कैसे आपके इमोशंस दूसरों पर इफेक्ट डाल रहे हैं, आपके आसपास जो लोग भी हैं वो क्या उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उन लोगों पर आपके इमोशंस का, उसको रिकॉग्नाइज करना इज सेल्फ अवेयरनेस. देन द सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन. दिस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल और रीडायरेक्ट डिसरप्टिंग इम्पल्सिस एंड मूड्स और द एबिलिटी टू सस्पेंड जजमेंट टू थिंक बिफोर एक्टिंग. यानी कि अपने डिसरप्टिव इम्पल्सिस को, अपने मूड्स को कंट्रोल करना और उसको रीडायरेक्ट करने की एबिलिटी एंड किसी भी
मतलब एक्ट करने से पहले, अपने इमोशंस पर एक्ट करने से पहले सोच करके, डिसीजन लेके, जज करके, अकॉर्डिंगली अपने आप को जज करके एक फाइनल डिसीजन पर आना इज सेल्फ रेगुलेशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग, गुस्सा आ रहा होता है, हम चिल्ला देते हैं, फर्क नहीं पड़ता सामने मम्मी पापा हैं, बॉस है, अपना सिग्निफिकेंट पार्टनर है, जो भी है, हम गुस्सा कर देते हैं। सो दिस मीन्स कि उस पॉइंट पर यू लॉस्ट योर सेल्फ रेगुलेशन। वाई? बिकॉज जो इम्पल्सिस हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको रीडायरेक्ट नहीं कर पाए बहुत ज्यादा। मतलब बाय दिस वी डोंट मीन कि अपने सारे इम्पल्सिस को कंट्रोल कर लो, बट देयर इज अ वे टू, बट उसको रीडायरेक्ट तो कर सकते हो ना। देयर आर वेज टू से थिंग्स। आपको गुस्सा आ रहा है पर आप उसको, उसी चीज को प्यार से भी बोल सकते हो। सो बी असर्टिव रादर देन बीइंग इम्पल्सिव। ठीक है? सो दिस इज व्हाट सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली मीन्स। अब सेल्फ रेगुलेशन में कुछ चीजें आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द एबिलिटी टू रिलैक्स, यानी कि गुस्सा आ रहा है, खुद को शांत कराने का की एबिलिटी। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है या एंग्जाइटी आ रही है या रोना आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि रोना आ रहा है तो रो मत, एंग्जाइटी फील हो रही तो एंग्जाइटी, बट उसको उस मोमेंट में अपने आप को रिलैक्स कर पाना, अपने आप को शांत कर पाना, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाना, अपने मूड्स को कंट्रोल कर पाना, बहुत जल्दी अपने इमोशनल अपसेट से रिकवर कर पाना, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर सेल्फ रेगुलेशन। ये जो फोर्थ पॉइंट है, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम इमोशनल अपसेट मोर क्विकली, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होता है। अभी पीछे दिया भी था, ओके, इट इज कॉल्ड रेजिलियंस। ठीक है? रेजिलियंस का मतलब है लाइफ में कोई डाउनफॉल आने के बाद हाउ क्विकली यू रिकवर बैक टू नॉर्मल। सो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम आई है तो ऐसा तो नहीं है आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने इमोशनली शट डाउन कर लिया अपने आप को। सो इट इज नॉट अबाउट कि उस पर रिएक्ट ना करना या उसकी वजह से परेशान ना होना, बट परेशानी से कितनी जल्दी आप रिकवर हो करके यू कम बैक टू नॉर्मल। बेसिकली इट इज लाइक अ ये बोबो डॉल टाइप होती है ना, मारो ऊपर वापस आ जाती है, गिरती है लेकिन वापस ऊपर आती है। सो कमिंग बैक टू योर नॉर्मल, जंपिंग बैक टू योर नॉर्मल इज रेजिलियंस। द मोर क्विकली यू कैन डू दिस, द मोर रेजिलियंस यू हैव, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ पीपल हु सेल्फ रेगुलेट, दे कैन क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ ट्रस्ट एंड फेयरनेस। जो लोग सेल्फ रेगुलेशन कर पाते हैं वो लोग अपने आसपास के एटमोसफेयर में काफी ज्यादा ट्रस्ट ला सकते हैं और सफाई ला सकते हैं। ऑल्सो दे कैन रिड्यूस देयर इमोशनल रिएक्टिविटी इन एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह से रिएक्ट करना है इमोशनली, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन द थर्ड इज मोटिवेशन। इट इज अ पैशन टू वर्क फॉर रीजन दैट गो बियॉन्ड मनी एंड स्टेटस। यहां पर मोटिवेशन का मतलब नॉर्मल मोटिवेशन वाला नहीं है कि कोई मोटिव होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, डिजायर। इट इज नॉट दैट मोटिवेशन। यहाँ पर मोटिवेशन का मतलब है मनी और स्टेटस से हट करके बाकी चीजों के लिए एक पैशन होना, टू वर्क फॉर रीजंस दैट आर बियॉन्ड मनी एंड स्टेटस, दैट इज मोटिवेशन। इसमें हमारी जॉब कैपेबिलिटीज आती हैं, जैसे कि कितनी अचीवमेंट की ड्राइव है, कितना कमिटमेंट है, हाउ मच यू इनिशिएट, हाउ मच ऑप्टिमिस्टिक यू आर, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर जॉब कैपेबिलिटीज। देन द फोर्थ, यहां से आपका सोशल वाला शुरू हो गया, दिस इज एम्पैथी। दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मेकअप ऑफ अदर पीपल। दूसरों के इमोशनल मेकअप को समझना, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके नजरिए से उनकी प्रॉब्लम को देखना, केयरिंग होना, अपनी नीड्स को ट्यून करके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, केयरिंग
केयरिंग एटीट्यूड होना, दूसरे के इमोशंस को, उनकी नीड्स को समझना, उनको मतलब रिस्पेक्ट देना टू अंडरस्टैंड देम, एंड वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज को बहुत अच्छे से पकड़ लेना, बहुत अच्छे से रीड करना इज एम्पैथी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्दो टिपिकली एम्पैथी का मतलब होता है टू गेट इन टू अदर्स शूज एंड देन सी इट। सो अगर कोई और मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, हो सकता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हूँ, अगर मुझ में एम्पथी कम है तो मुझे लगेगा अरे यार क्या है मेरे, मैंने तो इससे बड़ी बड़ी लोगों के पास तो इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए क्या रोना। बट अगर आप में एम्पथी हाई है तो आप उसके नजरिए से समझ पाओगे कि हाँ हो सकता है मेरे लिए बात छोटी है लेकिन उस इंसान के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। सो हैविंग दैट रिगार्ड फॉर अदर पीपल्स इमोशन, बीइंग एबल टू फील व्हाट दे आर फीलिंग इन देयर सिचुएशन, दैट इज एम्पैथी। अब एम्पैथी बिल्ड होती है सेल्फ अवेयरनेस पे, ठीक है। जितने ज्यादा हम अपने इमोशंस को लेकर के ओपन हैं उतने ही ज्यादा हम दूसरे के इमोशंस को समझ पाएंगे। अगर हम अपने इमोशंस को लेकर के ओपन नहीं हैं, अगर हम अपने इमोशंस नहीं समझ पाते तो हम दूसरों के इमोशंस को कभी नहीं समझ पाएंगे। यू फर्स्ट हैव टू बी वेरी ओपन टू योर ओन इमोशंस एंड एक्सेप्ट देम रादर देन अवॉइडिंग योर इमोशंस टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस। देन लास्ट इज सोशल स्किल्स, दिस इज प्रोफिशिएंसी इन मैनेजिंग रिलेशनशिप्स एंड बिल्डिंग नेटवर्क्स। यानी कि रिलेशनशिप्स को मैनेज करना और नेटवर्क्स को बनाने में प्रोफिशिएंसी जो होती है यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होना इज सोशल स्किल्स। ये आपकी एम्पैथेटिक नॉलेज पे बिल्ड होती है, जैसे आपकी एम्पैथी आपके सेल्फ अवेयरनेस पे बिल्ड होती है वैसे ही आपकी सोशल स्किल्स आपकी एम्पैथी पर बिल्ड होती हैं। कैसे किस इंसान के साथ बात करनी है, एक ग्रुप में कैसे रहना है, नेटवर्क कैसे बनाना है, ठीक है, इन सब चीजों में प्रोफिशिएंसी इज बेसिकली सोशल स्किल्स।